बेबाक निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अपने विवादित बयान के लिए सुर्खियों में रहने वाली गोडसे प्रेमी गैंग की मुखिया यानी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक ताजा बयान सामने आया है, जिसको सुनकर ऐसा माना जा रहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने मानसिक दिवालिया होने का ऐलान कर रही हैं। यूं तो प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की सांसद हैं और नाथू राम गोडसे की परम भक्त भी हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जादू टोना और मारक शक्ति जैसी काली शक्तियों की भी ज्ञाता हैं। वो चाहे तो पल भर में किसी शख्स को अपने श्राप से भस्म कर सकती हैं। वो चाहे तो अफगानिस्तान से तालिबान का एक झटके में सफाया कर सकती हैं, लेकिन उनके पास इस वक्त फुर्सत ही नहीं है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रज्ञा ठाकुर की इन तमाम खूबियों को पागलपन करार दे रहे हैं। आखिर क्या कहा है प्रज्ञा ठाकुर ने, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। भोपाल से बीजेपी की परम प्रतापी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महंगाई पर अपने बित्ते भर की जबान खोली है और जो बोला है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। एक कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने मंच से कह दिया है कि महंगाई कुछ नहीं बल्कि कांग्रेस की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस के लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है और कुछ नहीं, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि एक सांसद के तौर पर सरकारी सुविधाओं पर चैन की बंसी बजाने वाली प्रज्ञा ठाकुर को डीजल और पेट्रोल की कीमतों से क्या मतलब। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है, उनको इससे कोई परेशानी नहीं है कि इस महंगाई से एक गरीब का पेट कैसे भरेगा, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं कि भारत भुखमरी के नए नए रिकॉर्ड छू रहा है। प्रज्ञा ठाकुर ये भूल गई हैं कि इस वक्त केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और इस महंगाई के लिए पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराना और इसे प्रोपेगेंडा करार देना दरअसल दिमागी हालात खराब होने की अलामत है। अब प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि कभी महंगाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया जाता है तो कभी बाढ़ के लिए। अब भोपाल सांसद कह रही हैं कि महंगाई कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। प्रज्ञा ठाकुर कभी ट्राइसाइकल तो कभी फुटबॉल नचाती हुई नजर आती हैं। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि साध्वी कभी जमीन पर नहीं उतरी, वो क्या जाने जनता महंगाई से कितनी परेशान है। साध्वी को उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, भाजपा सरकार नहीं एक सर्कस है। कांग्रेस की मांग है कि अच्छे दिमागी अस्पताल की शुरुआत करें और इनको भर्ती कराएं ताकि इनका दिमागी इलाज हो सके। ऐसा नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा ने पहली बार इस तरह का बेवकूफी भरा बयान दिया हो। इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर ने मुंबई 26/11 आतंकी हमले में शहीद जाबाज पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे को लेकर भी बयान दिया था और कहा था कि उसे मैंने श्राप दिया, जिसके बाद हेमंत करकरे का सत्यानाश हो गया। प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी कहा था कि बाबरी ढांचे को ढहाने में वो शामिल थी। इसके अलावा प्रज्ञा ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था। प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे की देशभक्ति से इतनी खुश थी कि उन्होंने कहा कि गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आतंकवादी करार दिया। प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयानों का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। वो जब भी जबान खोलती हैं अजीबोगरीब बातें ही करती हैं। प्रज्ञा ने क्षेत्रीय सम्मेलन में कहा था कि शूद्र को शूद्र कह दो तो बुरा लग जाता है। अभी हाल ही में प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गृहमंत्री बताया था। ये तमाम घटनाएं और उनके बयान इस बात को समझने के लिए काफी हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर जल्द से जल्द उनका इलाज नहीं कराया गया तो वो दिन दूर नहीं जब भोपाल के लोगों को अपने सांसद से मिलने पागल खाने जाना पड़ेगा। अगर समय रहते प्रज्ञा को इलाज नहीं मिला तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आगे चलकर अपने प्रधानमंत्री को पहचानने से इनकार कर दें और पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बता दें।
बहरहाल चलते चलते आखिर में अकबर इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, लीडरों की धूम है और फॉलोवर कोई नहीं, लीडरों की धूम है और फॉलोवर कोई नहीं, सब तो जनरल हैं, यहाँ आखिर सिपाही कौन है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।